इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरोध भी जताया है। सीएम मोहन यादव ने कहा था कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की ओर पहला कदम है। तो सीएम के बयान के बाद लगातार हालांकि बयान के सिलसिले चल रहे हैं प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, और पाकिस्तान के पास अब बचा क्या है बयान के अलावा, यह भी एक बड़ी बात है। तो वो बयान दे रहा है लेकिन उस पर रिएक्शन लगातार आ रहे हैं। अखंड भारत को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बयान दिया, पाकिस्तानी अधिकारियों की तरफ से एतराज जताया गया, प्रकार से जब 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ, परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड वाला फिर बनाएंगे, वो सिंध पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने, हमारी सबकी कामना परमात्मा ननकाना साहब हमारी आंखों के सामने हो, ये समय हमारे सामने आए। हम सब आज के अवसर पर भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो, ये परमात्मा की इच्छा है। तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव का बयान, और ये सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव का बयान है नहीं, पीओके पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर उसे लेकर जिस तरह के बयान आते हैं उसके बाद बयानों का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। हालांकि पाकिस्तान की आपत्ति पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने फिर कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए लेकिन विस्थापित शरणार्थियों के आने के पहले अखंड भारत ही था, अतीत के अखंड भारत के हिस्से को लेकर आज भी पंजाब सिंध गुजरात मराठा ये हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है, आपत्ति करने भर से ये बात समाप्त हो नहीं जाती। लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए शरणार्थी आए उसके पहले तो अखंड भारत था ही, तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे उनको लेकर के, तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब सिंध गुजरात मराठा सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई के आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी।